बीते 24 घंटे से जारी बारिश ने प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सबसे ज्यादा हालात होशंगाबाद में बिगड़े हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोगों को बचाने और राहत शिविर में पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। शिवराज ने कहा कि जब स्थितियां ठीक हो जाएंगी तब नुकसान का आकलन होगा और पुनर्वास को बेहतर ढंग से किया जाएगा। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। होशंगाबाद में भारी बारिश होने से तवा व बारगी डैम से पानी छोड़े जाने से नर्मदा का जलस्तर 983 फीट पर पहुंच गया है। यहां खतरे के निशान से 19 फीट ज्यादा है। यह पानी तेजी से शहर में घुसा तो आनन फानन में करीब 2 दर्जन बस्तियों को खाली कराना पड़ गया। प्रदेश में अब तक एक दिन की सामान्य बारिश 0.42 इंच से 397% ज्यादा पानी बरस चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भारी बारिश से आई बाढ़ का हवाई जायजा लिया और बताया कि सभी जगह लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में कई जाने बचाई जा चुकी हैं, जो कि संतोष का विषय है। सरकार का प्रयास है कि किसी को भी परेशानी ना हो, इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर स्थित जिलों में भारी बारिश की संभावना बन रही है। उन्होंने ये भी बताया कि 9 जिलों के 394 से ज्यादा गांव में बाढ़ ने तबाही मचाई है। छिंदवाड़ा में बाढ़ में फंसे 5 लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है। शिवराज ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मित्रों, आज आपको अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। आमतौर पर मानसून का औपचारिक आगमन मध्य प्रदेश में 14 जून को होता है, लेकिन पहले जून में और फिर अगस्त के महीने के अंतिम सप्ताह में सामान्य से अधिक वर्षा हुई और अभी तो 27, 28, 29 और 30 अगस्त को, विशेषकर 28 और 29 को दक्षिणी मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन, विदिशा बारिश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले जो बारिश मध्य प्रदेश में सामान्य से काफी नीचे थी, लेकिन अब सामान्य से 51% सीहोर जिले में अधिक हो गई, रायसेन में 38% हो गई। 24 घंटे में अकेले होशंगाबाद में 34 सेंटीमीटर वर्षा हुई और इसके कारण एक तरफ छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में पैंच नदी और बाकी नदियों में, क्योंकि बांध सारे फुल थे, बांधों का पानी छोड़ा गया, बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। वहीं तीसरी तरफ नर्मदा जी और उनकी सहायक नदियों में भयानक विनाशकारी बाढ़ आई। इस पूरे क्षेत्र में अनेकों शहर और गांव में पानी घुस गया, कई गांव जलमग्न हो गए और कई जगह लोग अपने गांव में घिर गए। एक साथ बरगी, तवाब, बारना, इन सब से पानी भी छोड़ना पड़ा क्योंकि डैम्स ओवरफ्लो हो रहे थे और उसके कारण होशंगाबाद में पानी 982-83 फीट, खतरे के निशान 964 को क्रॉस कर गया।
और नर्मदा जी के दोनों तरफ, विशेषकर होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर जिलों में इस पानी ने तबाही मचाई। कई शहर और गांव, सहायक नदियां का पानी क्योंकि रुक गया नर्मदा जी में पानी काफी आ जाने के कारण, बारना का पानी बरेली में घुस गया, होशंगाबाद के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए, साहेगंज में पानी घुसा और फिर दोनों तरफ के अनेकों गांवों में पानी ने तबाही मचाई। और संभावना है 24 घंटों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी। इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, झाबुआ, अलीराजपुर, मंदसौर, नीमच, ये जो पश्चिमी इलाका है, वहां प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। पिछले साल गांधी सागर बांध का पानी काफी देर से छोड़ा गया था, इसके कारण भारी तबाही हुई थी। अभी गांधी सागर बांध 2 मीटर खाली है, लेकिन हमने फिर भी पानी का डिस्चार्ज भारी बारिश को देखते हुए प्रारंभ करा दिया है, ताकि अचानक भारी बारिश से पानी इतना ना भर जाए कि फिर डूबने के कारण तबाही मचे। पश्चिम मध्य प्रदेश को पूरी तरह से सतर्क किया है। मैं स्वयं कल भी, मैंने विपरीत मौसम में प्रयास किया था, हम कुछ स्थान पर पहुंचे लेकिन लो क्लाउड्स होने के कारण नीचे संपर्क नहीं हो पाया। आज मैं फिर अति भारी बाढ़ में जो गांव फंसे हैं उनका हवाई सर्वे भी करूंगा। यहां से सीधे मैं वहीं जा रहा हूं और उसके बाद वहां से लौटने के बाद फिर शाम को, मेरी चिंता है अगर बाढ़ का पानी उतरा तो बीमारियों का खतरा होता है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, ग्रामीण विकास विभाग, इनके साथ फिर शाम को बैठक करूंगा, एक बार फिर बाढ़ की स्थिति का जायजा लूंगा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।